तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमारे पास एक ये फैन है ओरिएंट इलेक्ट्रिक का, ठीक है। ये फैन हमने यहाँ पे लगाना है, ये इस जगह पे। सबसे पहले हम और मैं आपको एक बोर्ड और दिखाता हूँ कौन से बोर्ड के अंदर लगाना है, इसी रूम के अंदर है। ये हमने एक बोर्ड के अंदर हमने ये फैन, तो इसका कंट्रोलिंग इस बोर्ड से होगी। तो एक हमने इसके अंदर क्या हुआ, फैन रेगुलेटर, जो फैन रेगुलेटर होता है वो इंस्टॉल कर लिया इसके अंदर। ये फैन रेगुलेटर है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर। इसके ऊपर एक डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए नहीं दिख रहा, ठीक है। अभी ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से इसकी वायरिंग होगी। और इसके लिए एक स्विच की जरूरत पड़ेगी, जो स्विच हम ये वाला यूज़ करेंगे इधर, जो फैन रेगुलेटर के पास, ये फैन रेगुलेटर इसके पास वाला जो स्विच है उसको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा ये स्विच हो जाएगा और ये हमारा फैन रेगुलेटर हो जाएगा, ये स्विच, ये फैन रेगुलेटर, ठीक है। और इसकी एक वायर जो आई हुई है वो हमारी जो इलेक्ट्रिशियन जिसने वायरिंग की थी उसने ये यहाँ पे इसको अंदर डाल के छोड़ रखी है ये वाली, ठीक है। ये हमारी फैन के लिए गई हुई है। और न्यूट्रल वायर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, जो पूरे घर में होती है वो लूपिंग की होती है, लूप कर रखी है, यानी कि कॉमन होती है वो, वहीं पे हमारे जो फैन बॉक्स है वहाँ पे, जो वो हमारे फैन बॉक्स है वहाँ पे हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या है, फैन को जो हमें वो फैन बॉक्स में इंस्टॉल कर लेना। ये हमारी क्लिप है, इसको इसके ऊपर इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगी ये नट बोल्ट से, ठीक है, उसके अंदर। चलिए हम एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके कनेक्शन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको इसके अंदर जो फैन बॉक्स है हमारे उसके अंदर दिखा देता हूँ। ये हमारे जो ये कनेक्टर हैं इसके अंदर हमने फ़ैन यूज़ करना है, मतलब कि फ़ैन के कनेक्शन करने हैं। जो फ़ैन की ये दो वायरें हैं, ये दो वायर हैं फेज और न्यूट्रल की, ये दो वायर हमने इस कनेक्टर के अंदर कनेक्ट कर देनी है, ठीक है, इस कनेक्टर के अंदर। और जो ये फ़ैन का जो हैंगिंग रोड है इसके अंदर हम उसको इंस्टॉल, मतलब हैंग कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर हम इसके कनेक्शन कर देंगे फेज और न्यूट्रल के, येलो में फेज़ और ब्लैक में न्यूट्रल। तो फ्रेंड मैंने बोला था आपको कि ये लूप रहती है, तो आप ये देख सकते हैं हमारे ये न्यूट्रल के काफ़ी चार वायर हैं, चारों तरफ अलग अलग जगह लगे हुए हैं, और एक वायर इधर से आई हुई है, एक इधर से आई हुई है, और तीन अलग अलग जगह पे चली गई, ठीक है। तो ये इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको फैन रेगुलेटर के कनेक्शन और स्विच के कनेक्शन किस तरह से करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमने ये फ़ैन को इंस्टॉल कर दिया है, इसकी दो ऊपर की जो कनेक्शन थे मैंने आपको दिखाए थे वो हमने कर दिए हैं। अभी बारी आती है हमारी बोर्ड के अंदर जो हमारी फ़ैन रेगुलेटर है उसको किस तरह से करना है। जैसे कि हमारे पास ये फैन रेगुलेटर है और इसका एक स्विच है, स्विच के अंदर फेज वायर आई हुई है, कनेक्ट की हुई है। मैं बता देता हूँ ये इन्वर्टर की वाइट वाली है, ये हमारा जो फैन चलेगा वो इन्वर्टर पर चलेगा, ठीक है। और ये हमारी इसकी फैन की वायर है येलो कलर की, इसको हमने इसके साथ कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन के डायग्राम एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये बना हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। जो ये एल लिखा हुआ है इसके ऊपर एल से जाएगा, यानी कि स्विच से आएगा, ये स्विच से जाने के बाद फैन रेगुलेटर के कनेक्शन में घुस जाएगा और दूसरा हमारा निकल के हमारा फैन में चला जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसकी कनेक्शन कर लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स हमारा ये जो फैन रेगुलेटर है ये काफ़ी अलग अलग मॉडल का, अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग मॉडल के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दो टर्मिनल है जो एक इधर है एक इधर है, ठीक है। कई मतलब काफ़ी में टर्मिनल्स आ जाते हैं, काफ़ी में वायर निकली हुई आ जाती हैं। तो क्या करना है, जो हमारे फैन की जो वायर है ये जो फैन की साइड जाएगी उस वायर को हमने एक टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। अगर हमारी वायर निकली है तो एक वायर में कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। इस तरह से इसको लूज़ करके इसके टर्मिनल और इसको टाइट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टाइट करके आपको दिखा देता हूँ। और अच्छे से टाइट कर देना है इसको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इधर का तो टाइट हो गया, अभी अभी एक टुकड़ा और लेना आपको वायर का, ठीक है। हमने एक वायर का टुकड़ा कटा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। तो इसको एक साइड से छील के जो हमारा ये दूसरा टर्मिनल है बचता है इधर, उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको भी टाइट कर देंगे फ्रेंड्स, ये भी हमारा कनेक्ट हो गया। और जो इसका दूसरा एंड है, इस वायर जो टुकड़ा है, इस जो दूसरे एंड को हमने क्या करना है, जो ये स्विच है, ये वाला स्विच है, इसके जो नीचे एक टर्मिनल बचा हुआ है जो फैन के लिए यूज़ करेंगे ये वाला, इसमें इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। कनेक्ट करने से पहले आपको ये देख लेना कि ये स्विच हमारा ऑफ है या ऑन है, अभी ऑन है और अभी ऑफ है, ठीक है। मतलब कि ये ऑफ ऑफ ऑन हो गया, ये अभी हमारा ऑफ हो गया। तो ये हमारा कनेक्ट करने से पहले हमारा ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मतलब कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो, मतलब पावर है तो,
अगर हम ऑफ कर रहे हैं पीछे से लाइन को कट करके कर रहे हैं, फिर हमारे को मतलब कि फुल सेफ्टी रहेगी। तो अभी क्या है, जो ये वायर का टुकड़ा है इसको हम इधर कनेक्ट कर देंगे इसमें, ठीक है, कनेक्ट करके इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। बस अभी हमारे ये वायर इसके देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर पहले से ये वायर यहाँ से आई हुई है लूप के अंदर से इधर से, ठीक है, और इसमें से ये इधर आ जाएगी, इधर से ये यहाँ इस लूप से घूम के फैन रेगुलेटर में, फैन रेगुलेटर से जो ये वाली वायर है हमारी फ़ैन में चली जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको एक बार ऑन करके देखेंगे कि हमारा फ़ैन ये यहाँ से इसको रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हम इसको फ़ैन को अभी ऑन करके देखेंगे कैसे। तो फ्रेंड्स अभी देख सकते हैं हमारा ये फ़ैन है, ठीक है, अभी मैं आपको ऑन करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मोन मोन बटन दबाऊंगा तो डिफरेंट फ्रेंड देख सकते हैं आप, हमारा ऑन बटन जैसे ही मैंने दबाया ये फ़ैन चल पड़ा। मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स ये धीरे क्यों चल रहा है, ये क्योंकि ये हमारा जो फ़ैन रेगुलेटर है वो हमारा वन पे है, वन नंबर पोजिशन पे है। जैसे ही हम इसको 2, 3, 4 पे 5 पे लेके जाएंगे तो हमारी ये स्पीड है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं हमने इसकी फ़ैन की जो रेगुलेटर की है वो हमने अब नंबर 5 पे कर दिया, ठीक है। और अभी हम यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अभी बोर्ड हमने ट्रायल ले लिया है, इस बोर्ड को हम दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, इसके स्क्रू से टाइट कर